हेलो दोस्तों, स्वागत है वर्मा फैमिली ब्लॉग में। आज है मेरे भाई का बर्थडे। बर्थडे बॉय सामने बैठे हैं और केक कटने की हो रही है तैयारी है। केक के कैंडल जला दी है और देखते हैं कैंडल कितने साल के दे लगाए, कुछ नहीं लगाए, नहीं लगाई। और ये हमारे माता जी की फ़ोटो, और आज क्या क्या सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं देखते हैं। हनी खींच रही है फ़ोटो, अब वो देख रहा कि क्या क्या हुआ, और आगे देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इन्जॉय करते हैं बर्थडे का। गाइस, आज पापा बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं अपने। पिज़्ज़ा, फ्राइड राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, मंचूरियन, पापा के लिए स्पेशली डोसा और सिंगापुरी चाउमीन बाबू खा के चलेगा। बाबू ने खा लिया है। बर्थडे बॉय The next day। हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आपको दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल, राधा कृष्ण मंदिर से। और हम यहाँ पे आप पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे, अब दिखाते हैं आपको। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि आज के दिन यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, और ये 2-3 दिन से चल रहा, जब से रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो आज इनका मेन प्रोग्राम है। और इनकी कल रथ यात्रा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगाओ बहुत बड़ा बैनर। कल सुबह से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। मैं आया था, मैंने कहा चलो एक आरती भी अटेंड करेंगे और यहाँ पे देखते हैं। चलो अंदर चल के आगे देखते हैं और क्या क्या है। और यहाँ पे इस टाइम मिलती है खिचड़ी, जो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से दी जाती है। भगवान का प्रसाद है, लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। आज मैं आया था देखने की पूजा पाठ हो रही क्या। पहले प्रसाद मिला था, मैंने कहा पहले प्रसाद का सेवन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अंदर। और मैं अंदर की तरफ, यह है एंट्रेंस। जैसा कि मैं पहले भी आपको यहाँ की तो काफ़ी वीडियो दिखा ही चुका हूँ, मगर फिर भी अच्छा लगता है। दो दिन सजावट थी, आज ये है। और आपको कल यहाँ का अलग से व्यू नज़ारा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे गोविंदम ये है, दम का स्वीट शॉप है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ये यहाँ पे इनके देखेंगे आप, जो भी रिलेटेड हरे कृष्ण आइटम है, जैसे किताबें हैं, होली बुक है, काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अब कीर्तन चल चुका है। अरे हम मंदिर के अंदर, मंदिर जाकर मंदिर का फ्रंट लुक दिखता है यहाँ से, इसकी वाइब तो अलग ही आते हैं यहाँ आके। जब पहुँच के मैं आपके, आप साउंड सुन रहे हो अंदर, मैं भी अंदर ले जाऊँगा शायद कैप्चरिंग करने का। साउंड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, मगर जो कीर्तन चला उसको जाके बनाते हैं। चलो चलते हैं। Yeah.
यहाँ पे ना पूजा करते हैं, उसके बाद मत्था टेकने के बाद पूरा एक सर्कल करते हैं, परिक्रमा जैसे करते हैं हम लोग। छोटे बच्चे के हाथ में देखो सेंटर टेन जैसे कम्युनिटी हॉल वहाँ से स्टार्ट करो।
बेटा। जन्म मन विनुक्ता पदम गच्छन्तं अनामयम्।
कहते हैं इस तरह से भगवत भक्ति में लगे रह करके, अर्थात जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं या जिन्होंने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा लिए जोड़ लिए, ऐसे लोगों के लिए बताया है। कहते हैं कि ऐसे लोग वे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने अपने आप को भक्ति में जोड़ा है, वे लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं अथवा भक्तगण हैं और अपने आप को ऐसे लोग। ये है भगवत गीता के दूसरे अध्याय 51 नंबर श्लोक 2.51। तो कहते हैं कि जो लोग ऐसे ऋषि मुनि बड़े बड़े भक्त लोग जिन्होंने अपने आप को भक्ति में लगाया है और अपने आप को भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, जो दुख है संसार में वो हमारे कर्मों का फल है कि दुख है सुख है संसार में। इस संसार में अलग से कोई दुख नहीं दिया रहा है, जो मिल रहा है हमारे कर्मों को ही दिया मिल रहा है। जो हम एक आम में सोचते हैं किसी के प्रति हमारे हृदय में क्या भावना है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये जो भावना है हृदय में, तो हर समय हमारा रात जो हृदय है अंदर से रात दिन चलता रहता है, हर समय टेंशन में रहते हैं, एंजाइटीज में रहते हैं, मेरे संबंधी कुछ ना हो जाए, मेरे बेटा कुछ हो जाए, मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ के चली जाए या मेरे बच्चे मुझे छोड़ के, सब हजारों हजारों समस्या है। इस संसार में जो है वो ही हमारे कर्म का फल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश में कहावत है आई जो सो सैली हुई, जैसा आप बोलते हो वैसा आपको पाठ करता है संसार। लेकिन भक्ति में